आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आज हम लोग करने वाले हैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन आया था वो सब कुछ देखेंगे हम लोग और मोस्टली था जो कि एनसीईआरटी से ही था तो सारा हम लोग चेक करेंगे आ जाओ सब लोग जल्दी-जल्दी ज्वाइन कर लो यू कैन आल्सो आंसर इन द चैट बॉक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो सब लोग टोटल नाइन्टी क्वेस्स हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग अभी सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से

लेकिन जो एसपीसी इंटरेक्शन है ये क्या है पॉपुलेशन इंटरेक्शन है सो so इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर क्या है इसका सही आंसर है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे क्वेश्चन नंबर टू इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग तो जो ग्रोथ कर्व होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है हाँ इस तरह का सिग्मोइड ग्राफ होता है इसमें जो सबसे नीचे का जो फेज होता है नीचे जो होता है वो लैग फेज होता है और बहुत स्लोली ग्रो करता है प्लांट फिजियोलॉजी का सॉरी ये प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन का ये ग्राफ है और जो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है लॉग फेज होता है सबसे नीचे में होता है लैग एंड बीच में जो होता है वो लॉग फेज़ uh, होता है या फिर उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोल बोलते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है और सबसे लास्ट में जो है ये यहाँ पे आकर के ग्रोथ क्या होता है अस्टेबल हो जाता है इसके बाद ग्रोथ नहीं होता है तो सबसे मैक्सिमम ग्रोथ पूछा है कि किस टाइम में होता है तो बीच वाला ड्यूरेशन यानी कि लॉग फेज तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट लॉग फेज इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हेयर इज द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनिशियल ग्रोथ इज स्लो लाइक लॉग फेज एंड इंक्रीज रेपिडली देयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट इन लॉग और एक्सपोनेंशियल जैसे जो लॉग फेज है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं ऑल राइट right? नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज द रूट डेट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द अस्टीम यानी जो अस्टीम के बेस से ओरिजिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब सिली मिस्टेक हो गया था मेरा एग्जाम में हम इसमें लगा दिए थे बेस यानी रेडिकल नहीं बोला था बट हम कंफ्यूज होकर के प्राइमरी रूट लगा दिए थे लेकिन ये गलत होता इसका आंसर क्या होता है फाइबरस रूट ये एनसीआरटी जितना भी क्वेश्चन है सारा एनसीआर का लाइन बाई लाइन ही है प्रॉप रूट्स नहीं होगा लेटरल रूट्स भी नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा फाइब्रस रूट जो कि बेस से निकलता है वो होता है फाइब्रस रूट और जो रेडिकल से निकलता है वो क्या होता है प्राइमरी रूट्स होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इस जो 2020 का जो पेपर था उसमें मैथ द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा था और बहुत ही इजी इजी था अगर कोई एक भी मतलब ऑप्शन मैच कर जा रहा था तो पूरा का पूरा एक साथ ही करेक्ट हो जा रहा था तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मैथ द फॉलोइंग है ठीक है टाइफाइड टाइफाइड किससे हो जाएगा ए का थ्री सलमोनाला फाइटी सलमोनेला टाइफी आ, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ए का थ्री किस में है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर टू ए का थ्री और इसी से क्या है पूरा करेक्ट हो जा रहा है क्योंकि और किसी में ए का थ्री है ही नहीं फिर भी हम लोग देख लेते हैं निमोनिया निमोनिया किससे होता है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा देन फाइलेड फाइलेडिएसिस जो है वो वुचरेडिया बैंक्राफ्टी से होता है एंड देन डी क्या है ये होता है प्लाज्मोडियम प्लाजमोडियम से ठीक है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज इन विच ऑफ द यानी कि इसमें से कौन सा अप्लाई होता है वैसे फीमेल्स के लिए जो कंसीव नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे कंसीव का मतलब है जो कि हाँ यहाँ पे कंसीव का मतलब क्या है वैसी फीमेल्स जि, जिनके पास यूटेरस तो होता है बट वो कंसीव नहीं कर पाती हैं या हो सकता है गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो ओवम से या फिर अनदर थिंग्स जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पाती हैं तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है द फर्स्ट इज़ द जेड आई एफ टी एंड आई यू टी यानी कि जाइगोट फेलोपियन ट्रांसफ़र एंड इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र तो इसका पॉसिबिलिटी है ये क्या हो सकता है इसका आंसर हो सकता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रा ट्रांसफ़र यानी कि अगर वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है यानी गैमेट नहीं बना रही है बट उसमें अगर हम यूटेरस uh, में जाइगोट ट्रांसफ़र करें तो वहाँ पे इंट्रा uh, यूटेराइन या फिर टेस्ट्यूब बेबी के द्वारा क्या हो सकता है वो कंसीव कर सकती हैं बट ऑप्शन टू क्या है ये गलत है क्योंकि जी आई एफ टी गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र ये ऐसी फेमस कंसीव नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो गैमिट मतलब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा एंड देन ऑप्शन थ्री इज़ आईसीएसआई ये तो स्पर्म के बारे में है और ये एक गलत है यानी कि दोनों ही गलत हो जाएगा लास्ट भी क्या है जी आई एफ टी तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी है वो भी देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन वन इज द आंसर बिकॉज आर्ट इन विच आर ट्रांसफर्ड इनक्लूड आई एफ टी आई टी लाइक दिस दिस एंड दिस ये भी बता दिए इम्रायो ट्रांसफर मेथड या बेबी मेथड भी होता है ये और यही दोनों सही है उसके अलावा और कोई सही नहीं है हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा यानि कि जो गैमिट प्रोड्यूस नहीं करती हैं उनमें क्या होता है ये दोनों टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जीन आई डेट कंट्रोल्स ए बी ओ ब्लड ग्रुप यानी रोंग स्टेटमेंट बताना है द फर्स्ट इज वाट द जीन आई हैज थ्री एल इज ये सही है क्योंकि आई स्मॉल आई यानि आई ओ भी बोलते हो उसको एंड आई बी एंड आई ए ये तीन होता है ऑप्शन टू क्या है ए पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ द थ्री एल एस यस किसी भी पर्सन में या तो आई ओ आई ए होगा या तो इसके साथ क्या होगा आई बी होगा या इसके साथ आई ओ होगा या फिर ये दो साथ में हो सकता है ये दोनों साथ में हो सकता है या फिर ये टोटल साथ में हो सकता है कोई भी दो होगा कभी भी थ्री एल साथ में नहीं होता है देन ऑप्शन थ्री वेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर देसप्रेस द सेम टाइप ऑफ सुगर नहीं अगर जब भी ये साथ में प्रजेंट होंगे तो ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ सुगर प्रोड्यूस करते हैं सेम टाइप का सुगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं और क्योंकि ये खुद में ही डोमिनेट होता है तो क्या होता है ये डिफरेंट टाइप का सुगर प्रोड्यूस करेगा तो ऑप्शन थर्ड होना चाहिए इसका सही ऐसे ऑप्शन फोर्थ भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन फोर्थ है एलिल आई डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर हाँ ये सही है क्योंकि एलिल आई जो है वो रिसेसिव होता है क्योंकि वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है इसलिए अगर कोई ब्लड ग्रुप है जो कि आई ओ एंड द आई ए से मिलकर बना है तो वो ब्लड ग्रुप होता है ए ब्लड ग्रुप क्योंकि ओ क्या है रिसेसिव है लाइक like हम लोग देखते हैं मेंडल में कि ये स्मॉल टी एंड टी है तो वो टॉल ही प्रेजेंट रिप्रेजेंट करेगा वो टॉल होगा क्योंकि इसमें रिसेसिव स्मॉल टी उसमें प्रेजेंट नहीं होगा इसी तरह आई और आई में क्या है सिर्फ और सिर्फ ए डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है क्योंकि ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है इज इट क्लियर टू ऑल अगर किसी भी तरह का क्वेरी है तो या तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स तक हो गया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन है क्या इसमें करेक्ट पेयर हम लोग को सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट है लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल हाँ लाइगेज क्या है डीएनए मॉलिक्यूल को आ, ये अस्टिक एंड या फिर डीएनए मॉलिक्यूल को कंबाइन करने में हेल्प करता है नेक्स्ट इज पॉलीमेरेज ब्रेक द डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट्स नहीं ये तो मतलब इसको हम लोग आर एन ए वगैरह के को बनाने में यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज सेपरेट द टू स्टैंड ऑफ डी एन ए नहीं न्यूक्लियस का, का काम यहाँ पे नहीं होता है न्यूक्लियस क्या है आ, जब हम लोग को डी एन ए फ्रैगमेंट को अलग करना होता है स्पूलिंग टेक्निक होता है उसमें न्यूक्लियस का हम लोग यूज़ करते हैं जो भी अदर एलिमेंट है उसको हटाने के लिए और लास्ट है एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट अस्पेसिफिक पोजिशन विध एन डीएनए नहीं एक्सो न्यूक्लियस नहीं होता यहाँ पे इंडो न्यूक्लियस होता तब ये करेक्ट होता तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए लाइगे मॉलिक्यूलू की तरह काम करता है लाइगेज ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट ये भी एक तरह से मैं फॉलोइंगी है सो ऑप्शन वन क्या है हेमोफेलियम वाई लिंक्ड गलत है क्योंकि हेमोफीलिया क्या है एक्स लिंक रिसेसिव है देन फेनाइल uh, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं ये भी क्या है ये रिसेसिव uh, है uh, वो लिंक था और ये ऑटोजोमल रिसेसिव है सिकल सेल अनिमिया ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट एट क्रोमोजोम इलेवन हाँ ये सही हो सकता है देन थैलेसेमिया थैलेसेमिया ने थैलेसेमिया एक्सलिंक्ट नहीं है ये ऑटोजोमल डिसेसिव होना चाहिए ठीक है इसका एक बार हम लोग सॉल्यूशन uh, देख लेते हैं थेलेमिया इज ऑटोजोमल डिसेसिव एंड फेनाइल किटोनिया इज ऑल्सो ऑटोजोमल रिसेसिव और सिकल सेल एनीमिया कॉज ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर एलेवन दिस इज क्लियर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन भी अगेन क्या है मैच द फॉलोइंग ये मैच द फॉलोइंग कहाँ का है ये है प्लांट फिजोलॉजी सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी नहीं एनिमल किंगडम का ये मैच द फॉलोइंग है एनिमल किंगडम का है ऑप्शन ये रहा इसका इधर इसका ऑप्शन उधर है तो यहाँ पे हम लोग पहले मैच कर लेते हैं फिर हम लोग देख लेंगे कि कौन किसमें है तो यहाँ पे फर्स्ट है क्या ग्रिगेरियस या फिर पॉलीफेगस पेस्ट तो ये जो पेस्ट जो है वन वाला ये हम लोग पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा में एग्जाम्पल है ग्रिगेरियस जो कि क्या है लोकस्ट है यानी कि एक का का फोर ठीक है दिख रहा है सबको हम फिर से कर देते हैं ए है ये हम यहाँ लिख देते हैं ये ए का फोर है देन बी है एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बाई लेटरल सीमेट्री तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो किस में था इकाइनो डर इकाइनो डरमाटा और इकाइनो डरमाटा का एग्जाम्पल क्या होता है एस्टेरिस इकाइनो डरमाटा का एग्जाम्पल है तो बी का क्या हो जाएगा वन देन है बुक लंग्स बुक लंग्स भी है ऑर्थोपोडा में हम लोग पढ़ते हैं और किस में होता है ये स्कॉर्पियन में होता है तो टू का क्या हो जाएगा सॉरी हाँ सी का टू हो जाएगा एंड दी इज द बायोलूमिनेसेंस यानी जो लाइट uh, प्रोड्यूस करने का जिसके पास कैरेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं बायोलूमिनेसेंस बोलते हैं और इसका क्या होगा हम लोग टीनोफोरा में है पढ़ते हैं कि एट कॉम्प्लेट्स होते हैं एंड द उसका एक कैरेक्टर क्या है बायोलिमिनीसेंस तो टीनोफोरा का एग्जांपल है एक तीनों प्लाना एनिमल किंगडम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें एग्ज़ाम्पल जो है बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि हम लोग को अगर डायरेक्ट फाइलम देता तो हम लोग इजिली बता देते हैं बट यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को फाइलम का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है जिससे हम लोग को फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ए का था फोर एक से ही मिल जाएगा ए का फोर यहाँ पे देख सकते हैं ए का फोर एक में ही है ऑप्शन सेकेंड तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ऑल राइट देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या है द इनफेक्टियस स्टेज सॉरी द infective stage of स्टेज ऑफ enters the इंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है तो सबसे जो फर्स्ट है ट्रोफोज इसको सबसे पहले हम लोग अलग कर देते हैं क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से ऑप्शन वन यहाँ पे कैंसिल हो गया देन ऑप्शन टू हो सकता है और ऑप्शन थ्री हो सकता है और ऑप्शन फोर भी मेल गैमेटोसाइट हम लोग हटा देते हैं क्योंकि जो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ते हैं वहाँ पे मेल गैमेटोसाइट का जिक्र नहीं है कहीं पे इसलिए हम लोग ये दोनों में देखते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अस्पोरोस इन्फेक्टियस अस्टेज एसपोरोस अस्टेज है थ्रो द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो तो इन्फेक्टियस स्टेज क्या हो जाएगा फीमेल गैमेटो साइट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू ये अच्छे से जो एन लाइन है उसको रीडिंग कर लेना अभी तक हम लोग दस क्वेश्चन किए हैं ना यहाँ पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आउट ऑफ एनसीआरटी है सारा का सारा कहाँ से है बिल्कुल डिट्टू डिट्टू डिको से ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन पे क्वेश्चन नंबर इलेवन है आइडेंटिफाई द सब्सटांसेज हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड peptide बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर तो जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट ऑप्शन पे नहीं जाना है सबसे पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ना है कि कहीं नॉट या फिर एक्सेप्ट तो नहीं दिया हुआ है ना उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ये क्या होगा जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर देंगे सब लोग तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन पर क्या होगा कि पकड़ बन जाएगा और जितना भी क्वेश्चन कहाँ पे एक्सेप्ट आता है नॉट आता है रिपीटेड क्वेश्चन रहता है मतलब टाइप क्या है एक ही तरह का रहता है बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज में क्या होता है चेंज हो जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग आ, सबसे पहले जो है क्वेश्चन में दिया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड तो ग्लाइकिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो कहाँ होता है जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिल करके पॉलीसेकेराइड जिसको बोलते हैं उसके बीच में है जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो बहुत सारा अमाइनो एसिड या बहुत सारे प्रोटीन के बीच में क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो हम लोग को फाइंड करना है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कौन है आ, मतलब पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं पॉलीसेकेराइड और ऐसा कोई प्रोटीन या फिर अमाइनो एसिड जिसमें क्या हो पेप्टाइड बॉन्ड हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये है काइटीन ये काइटीन क्या है काइटीन फंजाई में एक तरह का प्रोटीन है जिससे कि सेलवाल बना होता है तो प्रोटीन पहले है यहाँ पे क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली दिया है यानी कि पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड देन पेप्टाइड बॉन्ड नेक्स्ट है ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन तो यहाँ पे नेक्स्ट जो गलेस्ट्रॉल है वो क्या है फैट और सॉरी ग्लिसरॉल जो है वो ना तो कार्बोहाइड्रेट है और ना ही प्रोटीन है ये अलग मतलब कोलेस्ट्रॉल है और ट्रिप्सिन जो है वो क्या है एक तरह का प्रोटीन है एंड नेक्स्ट सेलोलोज और लेसिथिन तो यहाँ पे सेलोलोज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड नहीं है तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को इनोलिन इनोलिन एक फ्रुक्टोज का क्या है एक फ्रुक्टोज है लाइक ये मतलब डाई है सॉरी हाँ फ्रुक्टोज uh, क्या है एक तरह का पॉलीसेक्राइड है और इंसुलिन क्या है एक तरह का प्रोटीन है जो कि पैनक्रियाज में होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विथ इन द अदर यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जिसमें दो जनरेशन रहता है लाइक like, हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों ही जनरेशन एक साथ होता है तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन पहले देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए है पॉलिन ग्रेन इनसाइड द एंथर तो पॉलिन ग्रेन कैसा होता है और एंथर कैसा होता है ये चेक करना पड़ेगा देन है बी जर्मिनेटेड पॉलिन ग्रेन विथ टू मेल गैमेट्स तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट हो गया है और मेल गैमेट कैसा होता है हेप्लॉयड होता है तो सबका हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा प्लॉयडी चेक करना पड़ेगा कौन हेप्लॉयड है कौन डिप्लॉयड है और किस में ये दोनों है तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन बहुत लोग का गलत हो गया था द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विथ इन द अदर आर पॉलिन ग्रेन इन साइड दिन साइड दॉलिन ग्रेन है वो तो है लेकिन वो एंथर जो कि डिप्लॉयड है उसके अंदर है तो यहाँ पे दो जनरेशन हुआ ना और नेक्स्ट है जो कि हैप्लोइड है और वो किसके अंदर होता है डिप्लॉयड ओव्यूल के अंदर तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये वाला और डी तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन एंड डी देन क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ हम लोग चलते हैं हम लोग आज मतलब एक दिन में क्योंकि पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप लोग बोर नहीं हो इसलिए हम लोग एक दिन में अप्रॉक्स थर्टी क्वेश्चंस करेंगे इस तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे एक दिन में हम ट्राई करेंगे कि दो बार इसका एनालिसिस करवाएं आज तो आज से समझ सकते हैं कि आज से स्टार्ट हुआ है तो थर्टी क्वेश्चन हम लोग एक बार में कंप्लीट करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज या आर यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है जिसको कि कैटेलाइज कौन करता है नाइट्रोजेनेस तो यहाँ पे ऑप्शन है अमोनिया सिर्फ बनता है या नाइट्रेट बनता है या अमोनिया और ऑक्सीजन बनता है या अमोनिया और हाइड्रोजन बनता है तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है मिनरल न्यूट्रिशन में ये रिएक्शन दिया हुआ है और ये रिएक्शन सबको याद करना हो क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे जैसे कितना अमोनिया बन रहा है दो अमोनिया बन रहा है तो दो अमोनिया के बनने में कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है कितना ए यूज़ होता है कितना प्रोट्रॉन यूज़ होता है तो दो में हो रहा है एट और कभी कभी घुमा करके पूछ देता है क्या कि वन अमोनिया मतलब एक अमोनिया बनने में कितना होगा तो ए आधा हो जाएगा सिक्सटीन से क्या हो जाएगा ए टी एट हो जाएगा और एट इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एट एच प्लस क्या हो जाएगा फोर एच प्लस हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अमोनिया बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है ना कहीं पे ऑक्सीजन बन रहा है और ना ही तो सिर्फ और सिर्फ अमोनिया भी नहीं बन रहा है नाइट्रेट भी नहीं बन रहा है डायरेक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे दो अमोनिया बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज गैप वन फेज ऑफ इंटरफेज इस तरह का कुछ होता है जिसमें सबसे लंबा क्या होता है यहाँ जीवन होता है फिर एस होता है और जी टू होता है है ना जीवन जो कि जीवन फेज में क्या होता है जो सेल होता है वो एक्टिव तो रहता है लेकिन उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है और जो एस फेज है उसमें डीएनए क्या है डबल हो जाता है लाइक uh, इनिशियली like, uh, अगर टू सी है तो बाद में क्या होता है फोर सी ये सेम टू सेम क्या है एनसीआर का लाइन है ठीक है तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट है डीएनए सिंथेसिस और टेक्स प्लेस तो ये जीवन में नहीं होता है किस में होता है एस में तो ये तो गलत हो गया देन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस तो ये री ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ही में कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा वहां पे तो वो सेल डिवीजन के लिए रेडी हो रहा है ना तो जितना भी जो माइटोकॉन्ड या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है क्योंकि सेल डिवीजन के लिए क्या है क्रोमोजोम वहाँ पे बनना होता है इसीलिए एंड थ्री इज सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव ग्रो मेटाबोली एक्टिव ग्रोज बट इट डज नॉट रिप्लिकेट इट डी तो ये सही है क्योंकि डी का रिप्लिकेशन नहीं होता है लेकिन क्या होता है उसमें मेटाबोलिकली एक्टिव होता है उसमें कुछ कुछ प्रोटीन्स वगैरह क्या है बनते रहता है तो ये आंसर सही हो जाएगा लास्ट क्या है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस तो न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ इंटरफेज में कैसे होगा न्यूक्लियर डिवीजन इंटरफेज में नहीं होता है इसके लिए होता है क्या कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ही होता है न्यूक्लियर डिवीजन। और इसमें क्या होता है चार फेज होता है जिसमें कि ये डिवीजन होता है कौन कौन सा होता है प्रोफेज मेटाफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और सबसे लास्ट होता है टेलोफेज ठीक है? तो ये क्लियर है इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है फिफ्टीन है कि एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर ऑफ इज़ तो ये क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि माइक्रोविलाई दिया है तो बहुत लोग इंटेस्टाइन लगा देंगे लेकिन इसका आंसर क्या होगा ये टिश्यू में ये दिया हुआ है प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन होगा इसका आंसर ऑल राइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट इनक्लूजन बॉडी इज़ इनकरेक्ट यानी सी यानी कि इसमें से इनकरेक्ट कौन है गलत बताना है हम लोग को कि कौन सा है तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेमरेन हाँ क्योंकि ये प्रो कैटिक में होता है तो ये कैसा होगा नॉन मेमरेन बाउंड होता है देन ऑप्शन टू है दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इंजेसन नहीं इंजेक्सन में नहीं ये फूड पार्टिकल को रिजर्व करने में काम आता है इंजेक्शन में नहीं देन ऑप्शन थर्ड इज दे लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म हाँ क्योंकि मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है ये देन लास्ट इज दिज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म हाँ तो ये भी सही है ये भी सही है और फर्स्ट भी सही है तो इसमें से गलत कौन सा है गलत है ऑप्शन टू और क्यों गलत है क्योंकि यहां पे रिजर्व की जगह इंजेशन दिया हुआ है इसलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू क्योंकि क्या पूछा है इन करेक्ट नॉट करेक्ट इट्स अ नंबर इज द राइट आंसर सिक्सटीन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इफ एनी वन हैव द क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन यहां तक सब क्लियर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तक अभी हम लोग हाफ कर लिए हैं और क्वेश्चन लगभग कितना है फोर्टीन क्वेश्चन और अभी हम लोग करेंगे फोर्टीन क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन जो है वो क्या बोल रहा है इसको हम लोग रीड करते हैं अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही अभी फोकस करना है जितना टाइम एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट प्रॉक्स सेवन टू एट ईयर्स भी कर लेंगे तो बहुत है क्योंकि जो इस बार हुआ है वो भी दो फेज़ में हुआ है मतलब जो कहीं पर रह गया था एग्ज़ाम कोविड के कारण तो एक और पेपर है फेज़ टू है जो कि इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग करेंगे फिर जो 2019 में भी हुआ था वो आ, ये बाढ़ आ गया था कहीं पर तो उसका बाद में हुआ था और सबका पहले हो गया था देन हम लोग फिर 2016 में भी समथिंग दो बार हुआ था 2015 में भी दो बार हुआ था तो सात से आठ साल का भी अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखते हैं हम लोग क्या है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स तो इतना बार पूछा गया है ये क्वेश्चन ना तो यहाँ पे जो है जो कॉर्डिनेटर सिस्टम होता है ना कि आ, ये चार जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक ई आर गोल्जीबड्डी लाइसोसोम एंड वैक्यूल इसमें क्या होता है ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है एक फॉर्मेशन होता है एक जगह पे और वो प्लेस क्या है वो प्लेस है गॉल्जी गोल्जीबड्डी जहाँ पे क्या होता है ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड बोलते हैं जिसको हम लोग ग्लाइकोसिडेशन और इस तरह से ही अलग तरह का नाम है ये एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ है ग्लाइकोसिडेशन और ग्लाइकोसिलेशन आई थिंक बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन को ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं एंड ग्लाइको लिपिड को ग्लाइकोसिडेशन बोलते हैं ये याद रख लीजिएगा नेक्स्ट है यहाँ पे है ना गोल्गी बॉडी किस होता है यूकैरेटिक में फॉर्म होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 इज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ ये जो क्वेश्चन है ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और रिपीटेड है ये बहुत बार पूछा जा चुका है तो ये आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है सारा ये ट्वेंटी ट्वेंटी यानी बस पिछले साल का ही क्वेश्चन है बस पिछले साल का ही क्वेश्चन है और सारा क्या है एनसीआर का ही लाइन है जो एनसीआर अच्छे से रीड किया है वो तो मतलब इतना जल्दी जल्दी बना सकता है ये सारा क्वेश्चन ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यू कैन ऑल्सो आंसर मी इन द चैट बॉक्स सो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट है क्या है ए कैरामैन इन ब्राइट ब्लू लाइट इस चीज़ का कहीं भी एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है तो इसको तो हटाई दो देन ऑप्शन टू है इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन आंसर यही होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन है बायोटेक्नोलॉजी जो पैराग्राफ में यहाँ पे इस तरह करके दिया हुआ है देन ये भी एसीटो कैरमाइन ये कहीं पे भी है ही नहीं तो ये दोनों तो हट गया अब होगा टू और फोर में ही कोई इन्फ्रा रेडिएशन में हम लोग देख नहीं सकते हैं किस में देखेंगे हम लोग यूवी रेडिएशन में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू

यहाँ पे क्या पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है किसके रेफरेंस में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में तो यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं क्या इसका ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू यहाँ पे जो है ये क्या होगा जो हम लोग कर्व देखते हैं ना हीमोग्लोबिन कर्व वो सिग्माइड होता है और वो क्या होता है कि इस पर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये तो सही होगा देन नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू कैन इंटरफेयर विथ ओ टू बाइंडिंग विथ हीमोगलोबिन हाँ सी ओ टू ये इंटरफेयर करता है तभी तो क्या होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनता है या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो वो क्या है वो अच्छा है लेकिन अगर राइट की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मतलब उसमें सीओ टू क्या है ज़्यादा है देन नेक्स्ट है ऑप्शन थर्ड हायर एच प्लस कंसनट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो तीन कंडीशन होता है जो कि ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग करने में तो जो तीन कंडीशन है वो क्या है एक तो सी ओ टू क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए हाइड्रोजन एच प्लस का कंसेंट्रेशन हाई होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए इस इस कंडीशन में क्या होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनता है और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या होता है अलग होता है और पी एच क्या होना चाहिए लो होना चाहिए ये अलग है लो है बाकी तीनों क्या होता है हाई होता है तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर थ्री क्या दिया है कि बोल रहा है कि एल्वोलाई में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हाई होने पे ये फॉर्मेशन करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का यानी फेवर्स करेगा फॉर्मेशन को तो ये तो गलत हो गया ना क्योंकि ऑक्सीजन को टूटने में हेल्प करता है ना कि बनने में और देन है ऑप्शन फोर यानी कि सही तो यही होगा फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे ऑप्शन जितना भी है सारा एक बार जरूर से ज़रूर रीड करें ऑप्शन फोर है लो पी सी ओ टू इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन तो यहाँ पे हाँ, लो है हाई में क्या होता ये हो जाता लेकिन लो है तो फेवर करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएगा Next हैं हम लोग 19 हो गया 10 question left. इसी तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करेंगे कि लगभग सेवन टू एट ईयर का एग्जाम आने तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें ले. तो uh, है रे फ्लोरेट्स हैव रे फ्लोरेट्स हम लोग रे फ्लोरेट्स कहाँ कर पढ़ते हैं uh, जहाँ पे हम लोग ये इन्फेरियर uh, और सुपेरियर ओवरी के बारे में पढ़ते हैं ना उसका प्लेसेंटेशन कैसा है लाइक like, uh, किस में ओवरी नीचे है किस में ओवरी ऊपर है तो इन्फेरियर ओवरी क्या होता है जिसमें ओवरी है जो इस तरह से नीचे में पैक होता है और सारा चीज़ उसका जो भी अदर जो लाइक कैलिक्स कोरोला अदर थिंग्स ये सब क्या होता है गाइनोसियम सॉरी गाइनोसियम तो नीचे होगा एंड्रोसियम क्या होगा वो ओवरी के ऊपर होगा तो ये ऐसा जो कंडीशन है वो किस में होता है वो होता है सनफ्लावर में और वही सनफ्लावर का ही रे फ्लोरेट्स होता है जिसमें क्या होता है इन्फेरियर ओवरी होता है तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा सुपेरियर ओवरी किस में होता है मस्टर्ड चाइना रोज़ ये सब में क्या होता है सुपेरियर ओवरी होता है और uh, हाइपोगाइनस सुपेरियर ओवरी जिसमें होता है उसी को हाइपोगाइनस भी बोलते हैं और हाफ इन्फेरियर जो होता है वो किसमें होता है प्लम पीच एंड रोज जिसको पेरी गाइनस हम लोग बोलते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसका आंसर देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है ये आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि एन जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन एन ही पूछ रही है चाहे वो एग्ज़ाम्पल हो या किसी तरह का डायग्राम हो सब कुछ बिल्कुल लाइन बाय लाइन ही है और डायग्राम से बहुत ही कम क्वेश्चन है लेकिन फिर भी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि डायग्राम से अदर मतलब अदर वे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछा गया है हो सकता है अगर यहाँ पर कहीं पर होगा तो हम बता देंगे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पढ़ते हैं द स्पेसिफिक पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉगनाइज बाई ईको आर्वन इज सो यहाँ पे इको आर्बन ये तो याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि एन सी आर टी में एक ही दिया हुआ है ऐसे अदर बुक में कुछ कुछ मॉड्यूल या फिर कहीं पर तीन या चार के बारे में या चार या पाँच अलग अलग ये ईको आर्बन के अलावा भी और अदर अदर बैक्टीरिया का दिया हुआ है पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस लेकिन ईको आर्बन का हम लोग याद करते आए हैं स्टार्टिंग से क्या होगा जी ए ए टी टी सी यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है एक NCRTG में है जैसे मलयालम इसको हम लोग किसी भी साइड से पढ़े क्या होगा सेम होगा इधर से भी पढ़ेंगे तो मलयालम है और ये हम लोग पीछे से भी पढ़ेंगे तो क्या होगा मलयालम ही होगा तो यहाँ पे क्या है जैसे हम लोग फाइव डैस टू थ्री डेस यहाँ पे पढ़ रहे हैं जी ए ए टी टी सी उसी तरह ये जो अपोजिट वाला है इसमें भी हम लोग अगर उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा ये सेम ही होगा इसलिए ये दोनों को हम लोग क्या मानते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मानते हैं और ये इको आर्वन का है आ, गीता, का फुल फ्रॉम या फिर इको आर्बन का इको आर्वन का फुल फ्रॉम इसका फुल फ्रॉम होता है स्केरेचिया कोलाई आई थिंक आपने गलत लिख दिया है इकोनॉमिक नहीं इको आर्बन का शायद आप पूछ रही हैं रेचिया कोलाई इसका फुल फॉर्म होता है और ये जो नेमिंग सिस्टम है इसके बारे में भी बायोटेक्नोलॉजी में दिया हुआ है कि ई जो है वो क्या होता है यहाँ जो फर्स्ट नेम है लाइक हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं ना लिविंग वर्ल्ड में कि ई e, मतलब जो सबसे फर्स्ट नेम जो होता है साइंटिफिक नेम उसको हम लोग क्या बोलते हैं जे मतलब जीन बोलते हैं आई थिंक आई मीन सॉरी जीनस बोलते हैं एंड जो कोलाई होता है वो जो लास्ट वाला होता है उसको अस्पीसीज बोलते हैं तो जो इसका नेमिंग है उसको हम लोग किस बेसिस पे रखते हैं ये ई e जो है वो ई e से आया है एंड जो कोलाई का सी ओ है वो अस्पीसी से आया है एंड आर वन इसका स्ट्रेन है ठीक है इज इट क्लियर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज क्लियर ना ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्वेंटी ट्वेंटी का जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रॉन्ग के बारे में पूछा गया है लाइक इनकरेक्ट रॉन्ग और द एक्सेप्ट इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो हम लोग उसके बारे में ही ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे कि क्वेश्चन हम लोग अच्छे से रीड कर पाए right, हम लोग रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है तो सबसे जो फर्स्ट है क्या है ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डी एन ए सिक्वेंस तो ये तो सही है क्योंकि डी एन ए सिक्वेंस का लेंथ जैसे हम लोग पैलेंड्रामिक सिक्वेंस देखते हैं या फिर उसका लेंथ देखते हैं कि किस जगह से हम लोग को वो सीक्वेंस उठाना है तो वो ये तो सही है क्योंकि लेंथ देखा जाता है रिस्ट्रिक्शन एनजाइम के द्वारा देन है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं दे कट द डी एन एट पैलेंड्रोमिक साइट्स तो अभी हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग किसी भी डी एन ए को कट करते हैं तो कहाँ पर कट करते हैं पेलेंड्रोमिक साइट लाइक वो फाइव डैश टू थ्री डैश जिस तरह है उसी तरह थ्री डैश टू फाइव डैश यानी अपोजिट भी क्या हो सेम हो पेलेंड्रोम हो तो ये भी क्या है सही है है थर्ड दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑब्वियसली ये क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का है तो ये क्या होगा यूजफुल होगा ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही यूजफुल होगा मोस्टली देन ऑप्शन नंबर फोर क्या है स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइन बाई यूजिंग लाइगेज Uh, यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें थोड़ा सा uh, क्या है मतलब क्योंकि ये भी आंसर हो सकता था लेकिन मोस्ट करेक्ट कौन सा लग रहा है मतलब ये तीनों बहुत ज़्यादा करेक्ट है बट ऑप्शन फ़ोर जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए इसमें ऑप्शन फ़ोर नहीं होगा यहाँ पे इसका कुछ सॉल्यूशन भी हो सकता है दिया हुआ होगा डी एन एल जो है उसका यूज़ कहाँ पे होता है जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स ठीक है और ये जो स्टिकी एंड बन रहा है वो किस तरह बनता है आ, जी ए ए टी टी सी ये क्या है बायोटेक्नोलॉजी में दिया हुआ है कि ये जो है जी और ए के बीच में कट करता है इधर से भी यहाँ पे कट होता है तो ये अलग हो जाता है और जब ये क्या हो जाएगा इधर से लिखेंगे जी ए ए, ए टी टी सी तो यहाँ पर भी, भी यहाँ से कट होगा तो ये लगभग इतना कट होकर के अलग हो जाता है और इतना क्या होता है अलग हो जाता है हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं सिंपली ये जो है इतना पार्ट जो है ये क्या होता है अलग हो जाता है और इसके बीच में जो है ये अस्टिकी एंड बनता है जिसको कि बोल रहा है डी एन के द्वारा ज्वाइन करने के लिए लेकिन यहाँ पे क्या होगा जो डी एन फ्रेगमेंट्स होता है उसको हम लोग ज्वाइन करते हैं ये तो क्या है पैलेंड्रामिक सीक्वेंस है ना तो इसको हम लोग नहीं ज्वाइन करते हैं ठीक है ये क्लियर है इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू था ना हूँ ट्वेंटी टू का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है ट्वेंटी थ्री तो हो गया सॉरी ट्वेंटी टू हो गया देन द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन टू एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट ये जो क्वेश्चन है ये है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है क्लास uh, ट्वेल्थ का है जिसमें कि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी स्लज बनाते हैं देन सेकेंडरी बनाते हैं और देन उसमें से क्या है एक एक्टिवेटेड स्लज बनता है जिसको कि हम लोग फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए सेव करके रखते हैं कि बाद में पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़े बस लास्ट में जो एक्टिवेटेड स्लज बचा हुआ है उसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ कर पाएँ और वो क्या है एनआरबिक कंडीशन में बनता है तो इसका क्या हो जाना चाहिए फर्स्ट क्या है प्राइमरी स्लज़ नहीं होगा फ्लोटिंग डेबरीज नहीं हो सकता है देन इफ्लुएंस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट ये भी नहीं होगा क्या होता है वो फ्लोक्स होता है जो मास होता है एक तरह का तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा एक्टिवेटेड स्लज जिसको कि हम लोग फर्दर सीवियस ट्रीटमेंट के लिए बचा करके रखते हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इसका कुछ है भी सॉल्यूशन एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं क्या है सेडिमेंट इज सेटलमेंट टैंक इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज जो कि बाद में बनता है और स्मॉल पार्ट जो होता है इसको एरेशन टैंक में हम लोग भेज देते हैं और जो मेजर पार्ट होता है उसको लार्ज टैंक में एनोडोविक स्लज डाइजेस्टर के यूज में हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ये सेशन जो है लंबा जा रहा है थोड़ा क्योंकि एक्सप्लेन हो रहा है ना कब स्टार्ट किए थे हम लोग 8:30 में स्टार्ट किए थे 9:30 तक हम लोग देखते हैं ठीक है ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन क्या है सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट यहाँ पे कंफ्यूज़ नहीं होना है करेक्ट पूछ रहा है यानी कि सारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही कर देना है इवेंट डेट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी कि जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो कौन सा कंडीशन uh, होता है यानी कौन सा इसमें से स्टेटमेंट हो सकता है सारे ऑप्शन को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ऑप्शन फर्स्ट क्या है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डाइफ्राम डायफ्राम किस तरह का होता है डोम सेप होता है जो कि जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो ये क्या हो जाता है ये कुछ इस तरह से चपटा हो जाता है तो ये तो सही है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना और बाद में जब हम लोग क्या जब हम लोग एक्सहेल करते हैं सी ओ टू तो क्या होता है ये दोबारा से अपने सेप में यानी रिलैक्स हो दोबारा से डोम सेप में हो जाता है तो ऑप्शन फर्स्ट तो होगा सही है देन है बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रेक्सन होता है हाँ होता है और हाँ एक्सटर्नल का ही होता है इंटरनल का इसमें नहीं होता है और सी है क्या पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस नहीं जब हम लोग इनहेल करते हैं तो इंक्रीज होता है और इंट्रापर्मोलरी प्रेशर इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज होता है तभी तो हम लोग अंदर में प्रेशर जब कम होता है हम लोग के आ, लंग्स में जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तभी तो हम लोग बाहर से लेते हैं लाइक डिफ्यूज़न प्रोसेस तभी हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर से ऑक्सीजन ले सकते हैं आ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि वाटर हाई टू लो जाता है उसी तरह यहाँ पे जहाँ पे प्रेशर कम होगा और जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा जो ज़्यादा से कम की तरफ आएगा जब हम लोग के लंग्स में प्रेशर क्या होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है तब हम लोग इनहेल करते हैं ऐसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है उसका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ऑप्शन ए एंड सॉरी ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन बी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एंड बी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज अगर हम लोग कॉकरोच का हेड रिमूव कर देते हैं तो वो के मतलब लग अप्रोक्स वन वीक तक तो क्या है वो अलाइव मतलब जिंदा रह सकता है क्यों रह सकता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट है यहाँ पे द सुपरा याफागल गेंगलिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ द एबडोमिन चलो आगे पढ़ते हैं ये तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए सुपरा यागल वेंट्रल नहीं आई थिंक ये डोरसोफ डॉर्सल होता है द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम होता है लेकिन मोस्टली कहाँ होता है इसके बॉडी में होता है जो इसका बॉडी होता है ना इसका मोस्टली नर्वस सिस्टम यहाँ पे होता है सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह और ये यह यहाँ पे जो है हेड में बहुत कम होता है जिसके कारण क्या होता है ये जीवित मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक अलाइव रह सकता है देन ऑप्शन थर्ड है द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी ये होना चाहिए क्योंकि अभी बोले ना इसका जो नर्वस सिस्टम है इसके ज़्यादातर बॉडी में होता है जिसके कारण जब इसका हेड जब कट जाता है तो ये जो है मतलब हेड कटने के कारण नहीं मरता है ये भूख के कारण मरता है क्योंकि इसको कहीं से भी खाना नहीं मिल पाता है जिसके कारण ये मरता है बिकॉज नर्वस सिस्टम तो यहाँ पे एक्टिव ही रहता है इसका पूरे बॉडी में तो ऑप्शन इसका थर्ड होना चाहिए फोर्थ पढ़ लेते हैं द हेड होल्स अ वन थर्ड ऑफ अ नर्वस सिस्टम नहीं वन थर्ड नहीं होता है सिस्टम वाइल द रेस डॉर्सल नहीं वन थर्ड तो होता है लेकिन ये क्या डॉर्सल नहीं वेंट्रल में होता है तो हर एक वर्ड को हम लोग को क्या करना है बहुत ही अच्छे से रीड करना है कहाँ डॉर्सल है कहाँ वेंट्रल है कहाँ इंक्रीज है कहाँ पे डिक्रीज है ये सारा चीज़ आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव भी हो गया देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स

देख लेते हैं कौन सा ट्रू है नहीं है नहीं कौन सा ट्रू है यानी करेक्ट इन यूरोडेटा नोटोकॉड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ यूरोडेटा में क्या थ्रू आउट लाइफ रहता है उसका uh, ये नोटोकॉर्ड उसका प्रेजेंट रहता है क्या यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दिस अगर एनिमल किंगडम आप लोगों ने पढ़ा है तो यू कैन फाइंड द आंसर दिख रहा है सबको विजिबल है ना क्या है फर्स्ट तो यहाँ पे क्या है नोटोकॉर्ड क्या है एक्सटेंड होता है या फिर नहीं होता है थ्रू आउट द लाइफ तो यूरोकॉर्डेटा में पूरा आई थिंक नहीं होता है कहाँ होता है उसके एम्ब्रॉनिक स्टेज में होता है सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड देन ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है क्या इन इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्रर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो हाँ यूरोडेटा में डॉर्सल हाँ, mm, हाँ, भी होता है नर्वस सिस्टम और हॉलो भी होता है जो की एक डिफरेंस है एक चार्ट बना हुआ है एनिमल किंगडम में वहां पर दिया हुआ है देन है ऑप्शन डी कॉडेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइला हेमिकॉडेटा टीनिकॉटा एंड सिफाइलो कॉडेटा नहीं ये सफाइला इस तरह से थोड़ी है इसका इसका सफाइला फाइलम जो है अलग ही तरह का है तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बी और सी ये दोनों क्या है करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर फोर बी एंड सी इसका कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन भी है हम इसका पी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखते हैं थ्री hmm, क्वेश्चन और बाकी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी यानी ये भी एक तरह का क्या है मैच द फॉलोइंग है इसका ऑप्शंस कहाँ है ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी सेवन का इधर है तो उसी तरह हम लोग जिस तरह पहले किए थे सबको मैच कर लेते हैं फिर किसी भी एक से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा तो जो बेसिलस थ्रंजनेसिस होता है वो क्या होता है बीटी जो कि एक तरह का क्राई प्रोटीन है ए तो का क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा देन है थर्मस एक्वेटिकस जो कि हम लोग पी में यूज़ करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है अलाइव uh, होता है मतलब हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकता है और डी एन में हेल्प करता है तो बी का हो जाएगा थ्री देन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी ये क्या है एक तरह का आर डी एन ए मॉलिक्यूल प्लांट के लिए क्या होता है रिस्ट्रिक्शन डी एन ए बनाने में हेल्प किया जाता है और सनमेरा टाइफी क्या होगा इसका फर्स्ट हो जाना चाहिए जो कि एक क्लोनिंग वेक्टर है हम्म ये होगा तो यानी ए का क्या होगा फोर होगा देख लेते हैं हम लोग ए का फोर किस में है अगेन द ए का फोर सिर्फ एक में ही है तो ऑप्शन टू क्या हो जाएगा राइट right होगा बी का थ्री सी का वन और डी का टू बी का थ्री सी का वन और डी का टू ठीक है देन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अगेन द द मैथ द फॉलोइंग इसमें भी हम लोग देख लेते हैं uh, क्या है ये जो है मैथ द फॉलोइंग कंसर्निंग इसेंशियल एलिमेंट एंड दे आर फंक्शन इन प्लांट तो ये जो है मिनरल न्यूट्रिशन का है जो कि मतलब ये वाला सेक्शन जो है थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि रट्टा मारने वाला पूरा है तो यहाँ पर हम लोग हमको तो याद है सारा क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं इसलिए ऑप्शन ए जो है आयरन आयरन क्या में हेल्प करता है आयरन क्लोरोफिल में हेल्प करता है तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए का थ्री जिंक क्या में हेल्प करता है जिंक के बारे में प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर में भी दिया हुआ है कि वो ऑक्सीजीन में ऑक्सीजीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है आई ए ए इंडोल एसीटिक एसिड देन बोरोन सबसे डिफरेंट पोलन जनरेशन में एंड मैगनीज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मैगनीज़ के अलावा एम और मतलब एम एन यानी मैगनीज और इसके अलावा क्लोरीन भी क्या है? में हेल्प करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो कि मिनरल न्यूट्रिशन में दिया हुआ है तो यहाँ पे भी मैच कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट क्या था आयरन का थ्री यानी ए का थ्री तो फिर अगेन इसमें फर्स्ट से ही हो गया ए का थ्री यानी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता है इसमें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट हाँ क्योंकि ये अंदर में होता है और डेड होता है सैववुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लेफ हाँ होता है ये तो सही है सैववुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जैलम एंड इज लाइटर इन कलर सैववुड बाहर होता है uh, यहाँ पे इनर मोस्ट लिखा हुआ है जबकि अंदर में क्या होता है हार्टवुड होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेन इन ऑयल हार्टवुड इज डार्क इन कलर ये डार्क होता है और ये अंदर में होता है ना कि बाहर में तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे क्या है गलत है तो ये हो जाएगा सही मतलब आंसर करेक्ट हो जाएगा ये लास्ट क्वेश्चन आज का थर्टी नंबर क्वेश्चन अगेन मै द फॉलोइंग यू कैन डू इट फ्रॉम यूर ऑन फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या है इनिवेटर ऑफ कैटेलेटिक एक्टिविटी यानी कैटलरी एक्टिविटी का क्या इनिबीटर कौन सा होता है तो ये जो है डिस्पैरेशन इन प्लांट का है ए का क्या हो जाएगा टू मेलोनेट क्या है इनिबीट करता है uh, किसको इनिबीट करता है सक्सिनेट डिहाइड्र डिहाइड्रोजिनेज हाँ सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट को ये uh, क्या करता है इनिबीट करता है आगे प्रोसेस करने से देन ऑप्शन बी है पोसेज पोजेज पेप्टाइड बॉन्ड तो पेप्टाइड बॉन्ड एक प्रोटीन होता है मतलब जो प्रोटीन होता है उसमें ही क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है काइटीन के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखे थे कि पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है प्रोटीन में होता है और काइटीन एक प्रोटीन है जो कि फंजाई में पाया जाता है और डेली इसी तरह से आ, एट या फिर एट थर्टी को हम लोग लाइव क्लास करेंगे आज थर्टी क्वेश्चन किए कल भी थर्टी क्वेश्चन करेंगे देन परसों भी करेंगे और ये पूरा हम लोग अच्छे से क्लियरली एनालिसिस करके आज किए हैं जिस तरह से पूरा वन आवर लिए हैं थर्टी क्वेश्चन में और बहुत अच्छे से एनालिसिस किए हैं इसी तरह हम लोग डेली ट्राई करेंगे करने का और यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स और ये चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू और अगर किसी भी तरह का क्वेरी है तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स ठीक है एंड करते हैं सेशन को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं